चूरू के सुजानगढ़ में एक दर्दनाक हादसा हुआ। रफ्तार के कहर ने यहां पर 5 जिंदगियां छीन ली। आपको बता दें कि लोडसर गांव के पास ट्रेलर और कार की जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में एक महिला समेत 2 पुरुषों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। एक 5 वर्षीय बच्ची समेत मां ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा। आपको बता दें कि NH-52 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। लाडनू से झुंझुनू के चिंचडौली गांव के औचारे थे ये सभी लोग। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। चूरू के सुजानगढ़ के पास में दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क हादसा, 5 लोगों ने अपनी जिंदगी इस हादसे में गंवाई। काफी दर्दनाक हादसा रहा। 3 लोगों की वहां पर मौके पर ही मौत हो गई। एक 5 वर्षीय बच्ची बताई जा रही है और उसकी मां ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। चूरू का सुजानगढ़ इलाका लोडसर गांव के पास में घटना हुई। रफ्तार के कहर ने यहां पर 5 जिंदगियों को लीन लिया। एक ट्रेलर और एक कार में जबरदस्त भिड़ंत यहां पर हुई। हादसे में एक महिला समेत 2 पुरुषों ने मौके पर ही अपना दम तोड़ दिया। एक 5 वर्षीय बच्ची और उसकी मां ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ा। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता अजय स्वामी फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय, बताएं ये जो दर्दनाक हादसा हुआ, कितने बजे ये हादसा पेश आया, किसकी लापरवाही रही और प्रशासन वहां पर अभी फिलहाल किस प्रकार से कार्य कर रहा है? जी ज्योति, ये लोडसर के पास NH-52 पे ये हादसा हुआ था और करीब सुबह 8:30 बजे की ये घटना है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी थाना क्षेत्र के गांव चिंचीवाड़ से ये लोग अल्टो कार में सवार होते आ रहे थे। एक ही परिवार के सभी लोग थे और लोडसर के पास ट्रेलर में तेज गति से गाड़ी भिड़ गई, जिससे कि गाड़ी के मौके पर ही परखच्चे उड़ गए और मां और बेटे की और कार चालक की मौके पर भी मौत हो गई, जबकि पुत्र वधु और उनकी पोती जो है उन्होंने इलाज के दौरान सुजानगढ़ के राजकीय बघड़िया अस्पताल में दम तोड़ा। जी ज्योति, जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।